अक्टूबर के बाद आपको अपनी 15 साल पुरानी कार की रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 5,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये कीमत फिलहाल दी जाने वाली फीस से 8 गुना ज्यादा है। वहीं अगर आप अपनी पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपए देने होंगे। फिलहाल ये फीस सिर्फ 300 रुपए है। इसके अलावा अगर आपके पास 15 साल पुरानी ट्रक या बस है तो उसके फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए आपको 12,500 रुपए देने होंगे, जो अभी दी जा रही कीमत से 21 गुना ज्यादा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को रोल आउट करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें कीमतों के बारे में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में देरी करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपए से 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट में देरी करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना भरना होगा। कार्यकर्ता अनिल सूद ने कहा कि अगर सरकार एक पॉलिसी ला रही है जिसमें पुराने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को बाहर किया जा रहा है तो ये किसी एक जगह की बजाय पूरे देश में लागू होनी चाहिए। बता दें कि सरकार के इस प्रस्ताव में अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उन पुरानी इलेक्ट्रिक और दूसरे ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को भी इसमें बख्शा जाएगा या नहीं। प्राइवेट व्हीकल्स की अगर बात करें तो सभी कार मालिकों को अपना RC 15 साल पूरा होने के बाद हर 5 साल में रिन्यू करना होगा। वहीं फिटनेस सर्टिफिकेट के मामले में 8 साल पूरा होने के बाद आपको हर साल इसे रिन्यू करना होगा। स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि गाड़ी मालिक अपनी पुरानी गाड़ी को देश के किसी भी स्क्रैपेज सेंटर में लेकर जा सकते हैं। वहीं नई गाड़ी लेने के दौरान वो अपने स्क्रैपेज सर्टिफिकेट को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।